हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन ड्राइव सम ऑफ एपी फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। वी नो दैट व्हेन first term of AP is A and common difference is D, so we write AP in form of A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus N minus 2 into D, A plus N minus 1 into D. First term, second term, third, fourth, nth term और उससे एक जस्ट पहले वाले टर्म। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? SN इट मीन आपको सम फाइंड आउट करना है। अब इनके बीच में टर्म्स के बीच में किसका साइन अप्लाई करेंगे? प्लस का। एंड वी राइट A plus D, A plus 2D, A plus 3D, plus A plus N minus 2 into D, plus A plus N minus 1 into D. आपको पता है अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, इट मीन्स लास्ट टर्म को पहले और फिर ऐड करूं, तब भी सम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीनिंग ये है कि अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दूं तो इसके अंदर जो सम है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज आपके पास 5 टर्म दे रखी है, उनका सम आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर उसको आप रिवर्स करके सम फाइंड आउट करेंगे तब भी वो 5 टर्म ही रहेगा, सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, so we write again, reverse करके लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू d। फिर आप लिखेंगे प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d ए प्लस d एंड a। इसको इक्वेशन दिया आपने फर्स्ट और इसको इक्वेशन दिया आपने सेकंड। अब आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, SN मिलके 2 टाइम्स ऑफ SN। अगर SN के अंदर SN ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ SN। ये टर्म इस टर्म के अंदर ऐड होगी, A और A लाइक टर्म होने के कारण ये हो गया आपके पास 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A और A मिलके आपके पास 2A, D ये वन टाइम गया था आपके पास। अगर इन दोनों में से मैं अगर डी कॉमन ले लूं तो आपके पास मिलेगा एन माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी। ओके, डी कॉमन ले लिया इसमें से, ये डी बार रख दिया एन माइनस 2 एज इट इज, और यहां पे अगर डी कॉमन ले लेंगे आपको यह मिलेगा 1। इसी फॉर्म में आप लिखेंगे तो लास्ट टर्म ए प्लस ए टू एन माइनस 1 इंटू डी। हमने देखा यहां पे इसको वापस सोल्व कर लेते हैं एक बार, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a, यहां आपके पास मिलेगा एन माइनस 1 इंटू डी प्लस
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है ओके। लेकिन ये कितने टाइम्स आ रही है, देखो वन टाइम टू टाइम कितने टाइम्स आएगी, जितने टर्म्स होंगे। जैसे अगर आपके पास थ्री टर्म है तो ये कितने टाइम्स आएंगे, थ्री टाइम्स आएंगे। अगर आपके पास फोर टर्म्स है तो फोर टाइम्स आएंगे। तो आपके पास ये कितने टर्म्स है, आपके पास एन एन टर्म है, एन टर्म है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आपके पास जो टू मल्टीप्लाई में दे रखा है वो डिवाइड भेज दीजिएगा, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका प्रूफ हो गया। बट आप ये भी जानते हो कि ए एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो ड्राइव कर रहे हैं आप, एस एन एज इट इज एन बाई टू एज इट इज। जो आपके पास टू है दे रखा उसको आपने इसको में लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या हो गया, ए एन एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। सो सेकेंड फॉर्मूला आपका एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ए एन को कहेंगे आपको कहीं पे एल भी लिखा मिल जाएगा, ए एन को आप लास्ट टर्म होती है इसलिए एल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट दे रखा आपको 1, 3, 5, 7 अप टू 12 टर्म। ये आपको एपी दे रखी है, इसके अंदर 12 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। सो वी राइट फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ए इज 1 एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हियर सेकेंड टर्म इज 3, सो वी राइट हियर 3 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1, सो वी गेट 3 माइनस 1 इज 2, सो कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1। हियर वी फाइंड सम ऑफ 12 टर्म, इट मीन्स एन इक्वल्स टू 12, एन इक्वल्स टू 12. We use formula of SN when N, D and A are given. SN equals to N upon 2, 2A plus N minus 1 into D. We put here N equals to 12, A equals to 1 and D equals to 2. So, S 12 equals to 12 upon 2 plus 2A. A is 1. So we write here 1 and N is 12. So we write here 12 minus 1 into D. D is 2. So we write here 2. We know that 12 upon 2 is 6. आपको पता है 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, 2 into 1, 2 and 12 minus 1, 11, 11 into 2, 6 plus 6 into 2 plus 22, 11 into 2, 22 and 6 into 2 plus 22, 24, we multiply 6 into 24, 6 4 is 24, 2 carry, 6 plus 12 or 2, 14. It means S12 equals to
144 आवर आंसर. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म इज 8. फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 8. कॉमन डिफरेंस d गिवन बाय t2 - t1. सेकेंड टर्म इज 3. फर्स्ट टर्म इज 8. वी नो दैट 3 - 8 - 5 d इज -5 एंड n इज 22 टर्म. इट मीन्स n इज 22. व्हेन फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस एंड n आर गिवन, यूज फॉर्मूला ऑफ SN गिवन बाय SN इक्वल्स टू n बाय 2 टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. रिपोर्ट हियर n इक्वल्स टू 22 एंड a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू -5. ओके, सो वी राइट एस n 22, 22 टर्म को सम फाइंड आउट कर रहे हैं. 22 अपॉन 2, 2 a, a इज 8 प्लस n इज 22, 22 माइनस 1 इंटू d, d इज -5. ओके, 22 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 11. अगर आप 22 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको 11 मिलेगा. 2 इंटू 8 16. 22 माइनस 1 21 इंटू -5 11 एज इट इज 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस 5 वन जो 5 5 टू जो 10 प्लस इंटू माइनस माइनस यहां आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. 185 माइनस 16 ये नंबर बिग है तो आप क्या साइन लगाएंगे माइनस का. 15 माइनस 6 9. 9 माइनस 1 8. फिर मल्टीप्लाई 11 प्लस इंटू माइनस माइनस 11 9 जा 99 9 के कैरी 11 8 जा 88 एंड 9 माइनस 979 अवर आंसर. SN इज 22 इज दिस. थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हियर फर्स्ट टर्म इज 1/15. कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. हियर सेकेंड टर्म इज 1/12 एंड फर्स्ट टर्म इज 1/15. We solve, we take LCM. LCM of 12 and 15 is 16. 16 divided by 12, 5, 5 multiplied by 1, 5, again, 16 divided by 15, 4, multiplied by 1, 4, we get 1/60 is common difference of given 18. Here, n equals to 11. आपको 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना. When first term common difference and n are given, we use formula of SN. SN equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Here, n is 11. And a is 1/15 and d is 1/60. Okay, so we write as n, n is 11, 11/2, 2a, a is 1/15,
प्लस एन इज 11, 11 माइनस 1 इनटू डी, डी इज 1 अपॉन 60, सो वी राइट हियर 1 अपॉन 60, 11 अपॉन 2 एज इज 2 इनटू 1, 2 अपॉन 15, प्लस 11 माइनस 1, 10, 10 इनटू 1, 10 अपॉन 60. इलेवन अपॉन टू एज इट इज वी टेक एलसीएम इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 50, 4 टाइम 4 टू जा 8, प्लस 60 डिवाइडेड बाय 16 1 इंटू 10, 10 वी गेट 11 अपॉन टू इंटू 18 अपॉन 60 1 टाइम 9 टाइम. 3 के टेबल से कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0, 11 इंटू 3 33 अपॉन 20, सम ऑफ 11 टर्म, सम ऑफ 11 टर्म ऑफ गिवन एपी इज गिवन बाय 33 अपॉन 20. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट एरिया का उसमें 3 प्लस 11 प्लस 19 अप टू 803, ये आपका एस एन नहीं है, ये लास्ट टर्म है आपका ए एन. सो वी फर्स्ट फाइंड एन, हियर ए इज 3, ए एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 11 माइनस 3 इज 8, डी इज 8 एंड एस एन सॉरी ए एन इक्वल्स टू 803. वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको दे रखा है 803. We put here a equals to 3 and आपको find out करना है d is 8 equals to 803. इस 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे आप, आपको मिलेगा 803 minus 3, that is 800. n minus 1 into 8, n minus 1 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो आपके पास क्या जाएगा डिवाइड में, सो वी गेट 100. एन माइनस 1 इक्वल्स टू 100, डियर फोर एन इक्वल्स टू 100 प्लस 1 101. अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, सो वी यूज सम ऑफ एपी फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन. एन इज 101 अपॉन टू, वॉट इज ए, ए इज 3, वॉट इज ए एन 803. एड कर दो आप इनको, 806 101, इसको कैंसिल आउट किया 1 टाइम 403, ये मल्टीप्लाई 403 बाय 101, 403 इंटू 00 इंटू 304, we get 30704. So sum of 101 term of given AP is 14703. Second part, second question, find the sum of following
इसका सम फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज ए इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 10 1 अपॉन 2 माइनस 7 वी गेट 3 1 अपॉन 2 3 टू जस्ट 6 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 therefore common difference is 7 upon 2 an equals to 84 आपको दे रखा है last term is 84 we know that an equals to a plus n minus 1 into d equals to 84 दे रखा आपको a is 7 n आपको find out करना है d is 7 upon 2 equals to 84 इधर 7 प्लस में ले रखा है उधर जाके आपके पास सेपरेट होगा आप लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 एज इट इज 84 माइनस 7 आपके पास मिलेगा 77 n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 इंटू 2 अपॉन 7 7 वन जा 7 7 वन जा 7 7 वन जा 7 वी गेट 22 देयरफॉर n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 23 एन आपके पास आ गया आपके पास एन दे रखा है ए दे रखा है और ए एन दे रखा है सो वी यूज फॉर्मूला ऑफ एस एन एन अपॉन टू प्लस ए प्लस ए एन व्हाट इज एन एन इज 23 23 अपॉन 2 A is 7, we write here 7, AN is 84, 23 upon 2 as it is, 84 plus 7, 91, 23 into 91, 2093, अपॉन टू टू से डिवाइड किया आपने वन टाइम 0 4 6 वन अपॉन टू आवर आंसर ये फॉर्मूला आपको एस एन तब यूज करना है जब आपके पास ए एन दे रखा हो इट मीन्स लास्ट टर्म दे रखा हो अदरवाइज जब लास्ट टर्म नहीं दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a plus n minus 1 into d. Okay?